स्वागत है ब्रेक के बाद। योगी सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मजदूर वर्ग को किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार सभी मजदूरों के जनधन खाते में RTGS से रुपए भेजेगी। इसके लिए हमारी सरकार ने कमेटी का गठन किया है जो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सभी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मॉल, मल्टीप्लेक्स बंद किए ताकि कोरोना से जल्दी लोगों को राहत मिले और ये बीमारी ना फैले। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने सिर्फ नारे दिए थे, काम बोलता है, हमने काम करके दिखाया। और लोगों को सावधान रहने के लिए जागरूक करें। सभी स्कूल कॉलेज सभी तरह की परीक्षाएं जैसे रद्द हुई है, 2 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल वगैरह। तो इसमें जो गरीब आदमी जो रोज खाता है, रोज कमाता है, उसके लिए हमारे यहाँ एक कमेटी का गठन हुआ है, आज की रिपोर्ट आ जाएगी। और जो गरीब आदमी है जो रोज कमाते रोज खाते हैं, उनके जो जनधन योजना के माध्यम से जो खाते उनके खुले थे, उन सब खातों में RTGS के माध्यम से एक तय अमाउंट जो कि समिति तय करने वाली है,